ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغضبنا وقطبنا وفريقنا ونظامنا وسراجنا ورجاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد ربه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسول النبي الامين الكريم والاحل والظالم والشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم كما تحب وترضى. بہت سارے ہمارے جیون میں رحمتیں ہیں, ہمارے ماں باپ ماتا پتا ہمارے لیے رحمت ہے. بہت سارے دل ہمارے لیے رحمت ہے. لوگ ہمارے لیے رحمت, ہمارا دیش ہمارے لیے رحمت. لیکن 135 کروڑ کے ہیں ماں باپ, رحمت ہے اپنے 4-5 بچوں کے لیے. منتری جو ہوتے ہیں رحمت ہے اپنے منتری منڈل کے لیے. ٹاٹا برلا ڈالمیا اڈانی امبانی رحمت ہے اپنے کرمچاریوں کے لیے. سب سیمت ہیں مگر میرا نبی رحمت ہے سارے عالم. نسیمہ ہے نسیمت ہے نسیمت ہے نجمیٹیشن ہے گرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو گرم سب پر ہے کوئی ہو ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی ہو نیشنلسٹ کمیونسٹ سوشلسٹ اپارچونسٹ کوئی ہو بڈھا بڈھی گڈا گڈی کوئی ہو عورت مرد بچے کوئی ہو کرم سب پر. مومن ہو کافر ہو کرم سب پر ہے.
अपना हो पराया हो करम सब हमारा। नमाज पढ़ने वाला हो मानने वाला हो ना मानने वाला करम सब पर। अफ्रीका का काला हो यूरोप का गोरा हो भारत का सांवला हो करम सब पर। गोरा गोरी काला काली समझ आए बंगाली करम सब पर है। कोई हो सैयद शेर मुगल पठान अंसारी कुरैशी मंसूरी कोई बाबर ठाकुर छत्री यादव कोई हो करम सब पर है। है किसी धर्म में ऐसा इतना विशाल करम सब पर है कोई हो अब कहीं हो ऐसा नहीं कि मदीने में कहीं हो करम सब पर है कोई हो कहीं हो चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे तुर्किस्तान में हो चाहे अरबिस्तान में हो चाहे इंग्लिस्तान में हो चाहे कब्रिस्तान में जो नारा लगाए पहले खड़ा हो जाए ताकि हम शक्ल को देखें। लगा करम सब पर है कोई हो कहीं हो तुम ऐसे रहमतुल्लिल। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम सब पर है तो पूरा मक्का मुसलमान क्यों नहीं हुआ। अबू बकर सिद्दीक के अकबर गए अबू जहल जहालत का बाप ही रहा। अबू लहब जैसा चचा जहन्नम से नहीं बचा। तो जब सब पर करम था तो ये रह कैसे गए। क्या रसूल ने चुन चुन कर सिलेक्टेड करम किया। मेरा नबी किसी देश का नेता नहीं जो सेलेक्ट करे चमचों को इकट्ठा करे। वो नेता नहीं महबूब है मतलूब है मंसूस है। आप ऐसा करें आप पैर से बोले हाथ से बोले मुंह से ना बोले हाथ से चलाओ मारो पीटो आवाज ना। कैसे ये कुछ नेता लोग हम लोगों को मारते हैं आवाज नहीं आती पीटो मुंह से मत बोलो। अच्छा मन चुप हो गए तो औरतों को शोर शुरू हो गए। गर्म सब पर है तो जब सब पर है तो सबको फायदा क्यों नहीं हुआ। सब लाभार्थी क्यों नहीं हुए सबको फायदा क्यों नहीं हुआ। अबू बकर जन्नत में अबू जहल जहन्नम में और करम सब पर है। अब आपको कैसे समझो मुझको बहुत ऊंचाई पर बैठा दिया गया और आप नीचे बैठे हो तो जरा गैप लंबा है कैसे समझाओ। ऐसे समझो किसान भाइयों मजदूरों सुन्नी गरीबों ऐसे समझो पानी बरसा चूट के बरसा झमाझम दिन भर 4 बजे शाम को बंद हुआ
तो खान साहब अपने घर से बाहर निकले तो देखा सड़क के गड्ढे में थोड़ा सा पानी, आगे बढ़े अरे पोखरे में तो उससे ज्यादा पानी, जब आगे बढ़े तो देखा यार नदी में पानी बह रहा, और जब समंदर के किनारे पहुंचे और हिंद महासागर को देखा इतना वही पहाड़ी पे चढ़ गया, पहाड़ी की चोटी पर गया तो देखा एक बूंद पानी नहीं, तो वहीं से बोला मिस्टर बादल मुंह देख के बरसते हो क्या, क्यों गड्ढे को थोड़ा सा पानी दिया, पोखरे को ज्यादा पानी दिया, बड़े तालाब को और ज्यादा पानी दिया, नदी को उससे ज्यादा दिया, समंदर को सबसे ज्यादा दिया, अभी पहाड़ी को एक बूंद नहीं दिया। कासल मैं आसमान का बादल हूँ, देखे कितने लोग कैच कर पाते, मैं आसमान का बादल हूँ पंजाब का बादल नहीं, जो परिवार देखूं हाल औलाद को देखूं मैं पंजाब का बादल नहीं आसमान का बादल हूँ, मैं मुंह देख के नहीं बरसा, इंसाफ से सब पर बराबर बरसा, जितना गरीब के झोपड़े पर बरसा उतना ही अमीर के बंगले पर, जितना मैं सड़क पर बरसा उतने ही गड्ढे पर, उतना ही पोखरे में बरसा बराबर, उतना ही नदी में बरसा, उतना ही समुद्र में बरसा, उतना ही पहाड़ी में बरसा, मेरे बरसने में फर्क नहीं, इनके लेने में फर्क, मेरे बरसने में फर्क नहीं के लेने में, जिसने जैसा दामन फैलाया उसको वैसा ही नहीं, अली मुर्तजा ने अपना दामन फैलाया भर गया, उस्मान गनी ने ज्यादा फैलाया और भर गया, फारूक आजम ने दामन फैलाया और भर गया, सिद्दीक अकबर ने सबसे ज्यादा दामन फैलाया, सबसे ज्यादा मिला, ये अबू जहल एंड कंपनी घमंड से पहाड़ी की तरह सीधा ताने खड़ी रही, अब गर्व से कहती थी मैं पहाड़ हूँ, गर्व से बोलो मैं पहाड़ हूँ, किसी घमंड में दामन फैलाया ही नहीं, एक बूंद पानी नहीं मिला, मिला तक भी मेरे नबी अबले रहमत बनकर सफर बरसे, किसने जितना दामन फैलाया उतना पैसे याद हो, स्टेज से नारा ना लगाया जाए, क्योंकि जज्बा तो है, तो स्टेज पर बैठे हैं उनमें भी कसूनियत की गर्मी है, एक्साइटमेंट तो उन्हें भी होता है ना, जोश खड़े हो गए नारा लगा दिया, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझको डर लगता है कल कोई ये ना कहे कि स्टेज पर नारा लगाने में कुछ फिक्सिंग है क्या, यहाँ खाना वो जो यहाँ स्टेज पर सेलेक्टेड हजरात बैठे हैं,
इसमें सुन्नियत की गर्मी है, नारा लगाए ना। लेकिन ये हजारों लाखों लोग जो मेरी सभा में मौजूद है, हर नौजवान के सीने में इसके रसूल की गर्मी नेता आते हैं चले जाते हैं, 5 साल के मेहमान होते हैं, लेकिन भारत का नागरिक कल भी था, आज भी है, और जब तक खाजा का हिंदुस्तान है, भारत में मुसलमान इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों को मिटाने वाली ताकतें मिट गई, उनका नाम नहीं मालूम। जब खानदाने को आत्मा को मिटाने के लिए यजीद निकला, हुसैन की नस्ल छा गई, यजीद की नस्ल खत्म हो गई। हमें कह रहा हूं मत सोशल मीडिया में, हम बद्र में नहीं करे, उहुद में नहीं करे, खैबर में नहीं करे, करबला में नहीं करे, बंगाल में नहीं करे, बिहार में नहीं करे, भारत में नहीं करे, तो ये कुछ छोटी छोटी चंदेबाज पार्टी हमको डराने चली है। अरे पेड़ वो गिरता है जिसकी जड़ें कमजोर, इस्लाम तुम्हारा बाप भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि इसकी जड़ों में हुसैन का खून है। रसूल का खानदान को मिटा न सके, रसूल का खानदान को मिटा न सके, मुसलमान कैसे मिटावे। इसीलिए हाशमी चैलेंज करता है, जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत के मुसलमान रहेगा। जज्बा से भरपूर हो गए तो कम टू दी पॉइंट। मैंने जो आज पढ़ी है उसमें 2 काफिरों का जवाब है। अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टिकोण से भी तो देखा करो, इन्ना अरसलना काफिरों ने 2 एतराज किया था, अपने बोलने दीजिए। अब उनके मुकद्दर में जब नहीं है आप और एक गुजारिश है, जो बोलते उन्हें बोलने दीजिए, आप चुप न कराइए, चुप कराना बंद करो भाई, चुप मत कराओ। एक चुप करा रहे हैं आप लोग, वॉलेंटियर बैठ गए, चुप मत कराओ। वो ऊपर से बोले, नीचे से बोले, बोले वो जबान नहीं हवा है, चाहे कहीं से निकल जाए। आप चुप कराना बंद कर दीजिए, वॉलेंटियर साहब बैठ जाइए, और जो बोलते उन्हें बोलने दीजिए प्लीज।
काफिरों के सामने नहीं बोलते, कम से कम अपनों में तो बोल रहे। काफिर आ जाए कोई बजरंग अली तक चुप रहे, अली अली करने वालों के सामने बोले, ठीक है बोलो, मुकद्दर जैसा होगा वही तो मैं बोलते, चुप कराना बंद कीजिए प्लीज। मैं देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि कुछ लोग इंतजाम में लगे हैं, छोड़ दीजिए। वो गाड़ी जा रही है, जगह बना रही है, और आप बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप डिस्टर्ब करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्यों मुझे रेस्ट मिलेगा। इन दिस कंडीशन रेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें दो ऑब्जेक्शन का जवाब है। एक अबू जहल कंपनी का कहना था कि तुम रसूल नहीं हो, अल्लाह के भेजे हुए नहीं, लस्ता मुरसला। क्या बोलता था? तुम भेजे हुए नहीं हो। अजीब भेजा था उसका कि अल्लाह के भेजे हुए को नहीं चाहिए। बोला लस्ता मुरसला, अल्लाह ने आपको नहीं भेजे। तो उनका भी उनका जवाब है अरसलना का, है हमने भेजा है। अब एक दूसरे काफिर हैं जो कभी कभी नमाज पढ़ते हुए वे दिखते हैं, उन्होंने कहा नहीं रसूल को है, नो डाउट ये रसूल है, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है, लेकिन हमारी तरह उनका जवाब दिया, हमें तुम तो अपनी बीवी बच्चों के लिए भी रहमत नहीं है, ये तो रहमत तो लील आलमीन है, तेरी तरह कैसे तो रहमत बनाकर किसने भेजा? भेजना जानते, भेजना बहुत बोलते हो, चिट्ठी भेजी, अब्बा को रुपया भेजा, कई आदमी भेजे, भेजा भेजी भेजे, बोलते हो ना, ये भेजना तुम्हारे भेजे में आ जाए तो आज समझ में आ जाए। भेजना जानते हो, भेजने के लिए तीन बात का होना जरूरी है, अगर तीन में से एक भी कम हुआ नहीं भेज सकते, असंभव। तीन बात होना जरूरी है। नंबर वन, भेजने वाला नहीं है तो कौन भेजेगा? दूसरा, आने वाला नहीं तो क्या भेजोगे? तीसरा, पाने वाला नहीं कहा भेजोगे? पहले जमाने में पोस्टकार्ड भेजते थे तो भेजने वाला मैं, जाने वाला पोस्टकार्ड, पाने वाला एड्रेस। अभी मैं कोई हल करके आता है जमजम खजूर भेजता है तो भेजने वाला हाजी, जाने वाला खजूर, पाने वाला उसका दोस्त। अगर ये तीन में से एक भी कम हो जाए तो क्या भेजोगे, कौन भेजेगा, कैसे भेजेगा, क्या भेजेगा? और अल्लाह ने कहा मैंने भेजा है, रसूल को भेजा है, तो भेजने में भी तीन चाहिए, भेजने वाला, आने वाला, पाने वाला। अब तीनों है, भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, और बंदों की तरफ अल्लाह ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा, भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, बंदे।
तो बीच की कड़ी कौन है? रसूलुल्लाह। अल्लाह और बंदे के बीच की कड़ी। और एक बात याद रखो, जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के बराबर, जो बीच में होता है। एक लड़का आया घर में, जाए I stood second division in my examination. Dad, मैंने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया तो मैंने पूछा भाई अब्बा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोले फादर। जब देश ने बहुत तरक्की कर ली 70 बरस के बाद कहा जा रहा है गैडी, फादर गायब गैडी, और 2014 के बाद गैड गाय। अभी तक तो गैड है, अल्लाह जाने कब गेड हो जाएगा। हमारे घर का उर्दू बोलने वाला बच्चा आया, हे अब्बा हम सेकंड डिवीजन पास हो गए। और काशी नगर का रहने वाला पिताजी मैं अपनी परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, मतलब सेकंड डिवीजन था। आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के बराबर है? क्या सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर है? क्यों? हमें वो बीच का डिवीजन है जो बीच में होता है, न ऊपर के बराबर न नीचे के बराबर। ए रसूल, तुम्हें खुदा ने अपने और बंदों के बीच की कड़ी बनाया। मेरा नबी खुदा और बंदे के दरमियान की कड़ी है, न खुदा के बराबर है न बंदों के बराबर। जो खुदा के बराबर कहेगा वो गाली है गाली, और जो बंदों के बराबर कहेगा वो बागी है बागी। ये सुन्नियों का मुकद्दर है, ना गालियों में है ना बागी में। नारे रसालत का कि मैं भी हिस्सा हूँ। और बीच वाले की एक क्वालिटी और बताऊ ना, ये बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिलती है, बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट बीच वाली उंगली ऊपर वाली से डायरेक्ट मिलती है ना, पर नीचे वाली उंगली ऊपर वाली से मिलना चाहे तो जब तक बीच वाली से ना मिले ऊपर वाली से मिल नहीं सकती। ए रसूल, आप खुदा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन बंदा अगर अल्लाह से मिलना चाहे तो जब तक रसूलुल्लाह से न मिले अल्लाह से मिल नहीं सकता। आपको एक ऐसा उदाहरण बहुत मशहूर है, मेरा साल तक नहीं और रहता ये उदाहरण, ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ कि हिमालय अपनी जगह से हिल सकता, गंगा उल्टी बह सकती, मेरे उदाहरण को कोई हिला नहीं।
भाव आलम ख्याल विचारों की दुनिया में देखे 1400 साल पहले क्या था। ईमान नहीं लाए थे तो उनका नाम था उमर इब्ने खत्ताब, ईमान नहीं लाए थे और हुजूर की बड़े मुखालिफ पक्की दुश्मनी रखते सुस्त। काबे की तरफ काबे की दीवार से पीठ लगाकर बैठ गए, काबे का अदब भी नहीं किया। पीठ लगाना अदब नहीं है, काबे की दीवार से पीठ सटाना अदब नहीं है और सटा के बैठ गए। अब काहे को अदब करे जब ईमान नहीं है। तो जहां तुम ये देख रहे हो काबतुल्ला की तरफ कौन पीट किए हुए है या रसूलुल्ला की जाली की तरफ कौन पीट किए है समझ जाना, ये अदब कैसे करे जब ईमान नहीं है। पीर लगाए बैठे थे, इतने में एक चुगल घोर आया, चुगल घोर चुगली खाने वाला, इधर की उधर उधर की उधर। हमारी जमात में चुगल घोर बहुत एक्टिव है, कर्मठ सदस्य हैं चुगल घोरी संगठन के, चुगली खाते मेरे पास आए आशमी मियां आप मौलवी साहब के बेटे हो, शेखुल इस्लाम के सगे भाई, गौस आजम की औलाद है, अगर आपको कोई तकलीफ है। अरे मौलवी आजम उसका मैं बेटा बना, आपका क्या देना देना उसको, नहीं ये नहीं है। मैं मुफ्ती साहब के पास गया था तो मुफ्ती साहब आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, ये भी कह रहे थे, बड़ा बुरा कह रहे थे। मेरा सख्त जुड़ना मुफ्ती साहब इतने पढ़े लिखे काबिल आदमी है और इतना झूठा इल्जाम लगा रहे, मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने लगा। मेरे यहाँ से उसके मुफ्ती साहब के यहाँ गया, मैं हाशमी मियाँ से मिला था, वो आपको ये कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, बुरा कह रहे थे, मुफ्ती साहब अगर माफ कौवा कर रहे मार रहे। पूरी दुनिया का सफर किया, पांचों पहाड़ बीच में तकरीर किया, पूरी दुनिया देखा, इसके बाद भी इतना तजर्बा नहीं कि मिला तहकीक के इल्ज़ाम लगा रहे हाशमी मियाँ। न मुफ्ती साहब ने मुझे कहा था, न मैंने मुफ्ती साहब को कहा था, चुगल घोर अपना काम कर रहे हैं। हमारी जमात में जो गलत फहमी पैदा हुई है वो चुगल खोरों की वजह से। एक चुगल खोर को मैं बुलाया, मैं कहा भाई चूली क्यों खाते हो, बड़ा सरकार सुबह से शाम तक चूली खाओ पेट खराब नहीं होता, ज्यादा रोटी खा लो तो पेट खराब होता है, दाल भात ज्यादा खा लो तो, और 4-5 दिन की पुरानी मछली खा लो तो और माठ भात तुम इसी खावे में माठ भात खाओ और पेट खराब होता है, गैस बनती है, मगर चुगली खाने से गैस नहीं बनती। मैंने कहा तो जूता खाओ, जूता खाने से भी पेट खराब नहीं होता। अच्छा भाग यहाँ से, हवा खाओ, हवा खाने से भी पेट खराब नहीं होता, मगर चुगली मत खाओ। इस चुगली से दो भाई लड़ जाते हैं, बाप बेटे लड़ जाते हैं, दो आलिम लड़ जाते हैं, दो पीर लड़ जाते हैं, दो सिलसिले वाले लड़ जाते हैं, ये चुगल खोरी बंद करो। एक चुगल घोर आया उमर के बाद, तब ईमानदार नहीं थे, बोले ए उमर, ए उमर सुना क्या, 40 अरब मुसलमान हो गए, देखते देखते 39 अरब बिकेम मुस्लिम। उनका ख्याल था हमने रोक रखा है, मक्के में नबी करीम को बहुत सताया है, अत्याचार किया है, तो 10-20 हो गए। जब सुना 39 It is not fine.
घोषता बिहार की बोली में अगिया बैसार आग लग गई है, आंखें निकाल के मुंह फुलाई के छाती देखा के छप्पन इंच की वहीं से लिया। अरे उस दौर की नकल करते हो जब वो कुफर हुए थे, उस दौर की नकल करो जब ईमान में आ गया। छाती जका के मुंह फुला के तलवार निकाल के धार दिखाई के हवा में लहराई के गुस्से में बोले 39 हो गए 39 बस, अब 40 बार नहीं होने दूंगा। क्या बोले 40 बार नहीं होने दूंगा। समझो भाई, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप लोग 40वां करते हैं ना अपने बाप का, बोले 40वां नहीं होने दूंगा। उनका कहना ये था जाऊंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगूंगा कत्ल कर दूंगा, जब वही नहीं रहेंगे तो 39 के 39 रह जाएंगे, 40वां कोई होगा ही नहीं, 40वां नहीं होने दूंगा। क्या बोले 40वां खैर के सो 40वां नहीं होने दूंगा। अब अगर तुम्हारे गांव में कोई मौलवी बोले 40वां मत करो, झगड़ा मत करना, समझ जाना पुरानी बोली दोहरा रहा। एक बात ईमानदारी से बताओ कि जब उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, किस हालत में थे? जोर से और जोर से जगा रहा हूँ, कुफ्र की हालत, 40वां नहीं होने दूंगा, किस हालत में बोले? कुफ्र की हालत में। अब अगर किसी ने कहा 40वां ना करो, हम उसकी हालत समझ जाएंगे। उधर रहमत खुदा देख रही, क्या बोला तू 40वां नहीं होने देगा? अल्लाह के घर में बैठ के बोलता है 40वां नहीं होने दूंगा, काबे में ये हिम्मत उठ स्टैंड अप खड़ा हो जा, बड़ा आया 40वां रोकने वाला, छोड़ मेरा घर, देख मेरे महबूब का घर, छोड़ मेरा घर, पहुंच जा मेरे महबूब के घर, कत्ल करना चल, हत्या करना अरे तू चल, तो मेरे नबी का मर्डर करेगा चल, तेरी जो भी नियत है तू बस चल मेरे नबी का। इतिहास गवाह है, निगाहे रसूल निगाहे उमर से, निगाहे उमर निगाहे रसूल से टकराई, दामने उमर को हिला कर रसूल ने कहा क्या तेरे ईमान लाने का टाइम नहीं आया? अदबे नाजे मुस्तफा पर जबी ने अकीदत तो मोहब्बत झुका कर कहा तो ये कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू। गए थे 40वां रोकने, खुद ही 40वें मुसलमान हो गए। इसीलिए हजरत उमर को मुतमिमुल अरबईन 40 की अगर पूरा करने वाला ये भी रखा गया। तो जब सुन्नियों ने सुना कि फारूक आजम 40वें, फारूक आजम 40वें, बंगाल बिहार नहीं पूरे भारत में कसम खा लिया, ईरान रहे चाहे न रहे, सऊदीया रहे चाहे न रहे, हम इस 40वें को नहीं छोड़ेंगे।
अब एक बार बताओ, अल्लाह कहाँ मिला उमर को? अल्लाह के घर में मिला, रसूलुल्लाह के घर में मिला। बोल खुल गया। पहले आलम ख्याल में बड़े अदब से अर्ज किया, सरकार अब तो आप हजरत उमर हैं, आका उमर है आप, अब आप अमीरुल मोमिनीन होंगे, खलीफतुल मुस्लिमीन होंगे, इंतखाबे रहमतुल आलमीन। ये बताइए आपको अल्लाह मिला का छोटा सवाल, सरकार छोटा सा जवाब, या फारूक आजम आपको अल्लाह मिला का? बोले सुन, मैंने काबे पे कब्जा किया, अल्लाह नहीं मिला। और तुम तो हजी रसवत चूनते हो, मैं तो चाटता था, कोई रोकने वाला नहीं था। और जब मैं कब्र की हालत में था तो बड़ा वो था, वो क्या बोल रहा, बहुत वो। कैसे समझ जाओ, अबू जहल बहुत बड़ा गुंडा था ना, मक्के के सबसे बड़े गुंडे का नाम क्या है? अबू जहल। वो भी इनसे डरता था, ये बड़े वो थे, खुदा नहीं है। मुत्ता पे कब्जा खुदा नहीं मिला, अतीत पे कब्जा खुदा नहीं मिला, मखाने इब्राहिम पे कब्जा खुदा नहीं मिला, काबे पे कब्जा खुदा नहीं मिला, जब दामने मुस्तफा मिला तो खुदा मिला। फारूक आजम ने हकीकत खोल दी, ए मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वालों, काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। समझो मैं कहाँ कह रहा हूँ, कहते हमारा कब्जा काबे पे है, हमारा कब्जा मदीने पे, हमारा कब्जा मुसल्ले पर है, तो इन नादानों से कहो कब्जा से खुदा नहीं मिल गया। कब्जा तो अबू जहल का भी था, उमर इब्ने खत्ताब का भी था, मगर खुदा नहीं मिला। काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता, दामने मुस्तफा को पकड़ने से खुदा मिलता। अब आगे की बात यह है कि जब अल्लाह ने चाहा उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम बने, जब खुदा ने ये चाहा उमर हजरत उमर बने, तो डायरेक्ट काबतुल्लाह से नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह के पास भेजा। तो जब सहाबी रसूलुल्लाह के बगैर अल्लाह तक नहीं पहुंचा, तो वहाबी रसूलुल्लाह के बगैर अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा? तो अल्लाह ने उमर इब्ने खत्ताब को अपने घर से उठाकर कहां भेजा? अल्लाह ने रसूल के पास भेजा, ये रसूलुल्लाह से क्या मिले, अल्लाह मिल गया। अब समझे हम आपको रसूल के पास क्यों ले जाते हैं, वहीं तक जाना तो अल्लाह तक जाना। डायरेक्ट नहीं, अल्लाह को डायरेक्ट पसंद होता तो काबे में बैठे हुए थे, वहीं से अपना बना देते। अगर अल्लाह डायरेक्ट पसंद नहीं करता, इन डायरेक्ट वालों से मैं क्या करूं, इतनी बात कहके निकल जाता हूं बेटा, दुनिया में डायरेक्ट आते नहीं हो, डायरेक्ट जाओगे, आओ डायरेक्ट। बगैर अब्बा के तेरा डब्बा नहीं बनेगा, वसीला अब्बा, और अकेला अब्बा क्या कर लेगा? गौर करो तो मेरे दुनिया में आने में मेरे अब्बा,
उनके आगे जो उनका अब्बा 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 के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा उनके अब्बा उनके अब्बा अजीब तक बोलू तो शायद भगवत आदम तक पहुंचे। और ये एक साइड है वसीले का, दूसरा अम्मा। अम्मा ना हो तो अकेला अब्बा क्या करेगा। और फिर अम्मा भी कैसे आती जब तक उसकी अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा की अम्मा फजर तक बोलू तो हजरत हवा तक पहुंचे। एक छह इंच का बच्चा और इतना वसीला जाएगा डायरेक्ट देखो। हम इस मंच पर आए हैं, इस मंच सीढ़ी का डायरेक्ट कौन आ सकता है? बंदर वहीं से जंप मारे आ जाए। भाई हम लोग इंसान हैं, बंदर नहीं है। जाओ बंदर वाली जमात में समझा कर वसीला। एक बात वसीले के बारे में बताऊ, जितना ऊपर जाना हो उतनी मजबूत वसीला हो। अरे ये आप सात आठ फीट ऊपर जाना था, सीढ़ी का वसीला काफी है। लेकिन तीन चार माले पर जाना है तो सीमेंटेड सीढ़ी का वसीला। और ऊपर जाना है 24 माले पर तब लिफ्ट का वसीला। जितना ऊंचा जाओगे वसीला मजबूत होना, और ऊपर जाना है तब 27,000 फीट ऊपर तो हवाई जहाज का वसीला है। और ऊपर होता 200 मील तक तो हवा है, पानी क्या है, इस पुतनिक का वसीला। और ऊपर जाना हो तब चांद की धरती पर उतरना हो तब राकेट का वसीला। जहाज काम नहीं करेगा। कहा समझे, जितना ऊंचा जाना हो उतना ही मजबूत वसीला हो, और मेरे खुदा से ज्यादा, समझो मेरे खुदा से ज्यादा कोई बुलंद कर नहीं, और वसीलों में मेरे रसूल से ज्यादा कोई वसीला मजबूत कर नहीं। उसकी बुलंदी का जवाब नहीं, मुस्तफा की रसाई का जवाब। ये तो हो गया अरसल्ला का इजला रहमत लिलालमीन वमा अरसल्ला का इजला रहमत लिलालमीन। अरबी ग्रामर की बात समझाने की कोशिश करूंगा। अरबी ग्रामर में ये होता है कि पहले किसी बात से अगर ना कर दिया जाए और बाद में हाँ किया जाए किसी के लिए तो वहां सिर्फ का माना हुआ था। जैसे ला इलाहा कोई माबूद नहीं है, इनकार कर दिया ना, कोई माबूद नहीं। धरती माबूद नहीं, गगन माबूद नहीं, आकाश माबूद नहीं, जानवर माबूद नहीं, पशु माबूद नहीं, जो दूध दे वो माबूद नहीं, जो दूध न दे वो भी माबूद नहीं, दरिया माबूद नहीं, पहाड़ माबूद नहीं, कोई भी टाइगर माबूद नहीं, कोई शेर माबूद नहीं, कोई चीता माबूद नहीं, कोई भी माबूद नहीं, ला इलाहा कोई माबूद नहीं। ऐसे यहाँ भी है भगवान सल्ला का मैंने नहीं भेजा है, और भेजने के बाद कहा भगवान सल्ला का मैंने नहीं भेजा इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन, सिर्फ रहमतुल्लिल आलमीन।
गाना लगाओ तुम्हारा रसूल तुम्हारा नबी आका मौला सिर रहमत लिए ये मोहब्बत भरी दुनिया है और भारतवर्ष की ये विशेषता है इसका खूबी है इसका खूबसूरती है भारत की यहाँ भक्ति है भक्ति में शक्ति है यहाँ मीत है प्रीत है गीत है संगीत है प्रेम है यह अफगानी जान की तरह पत्थरों की दुनिया नहीं है प्यार की दुनिया मोहब्बत की दुनिया 70 साल से नेता लड़ाते लड़ाते मर गए जनता लड़ने को तैयार नहीं क्योंकि ये गीत का महात्मा हो गए प्रीत का माहौल है प्रेम का माहौल यहाँ चिश्तियों का रंग है कादरी रबंग है प्यार मोहब्बत की दुनिया है भारत का ये हुस्न है उसकी ब्यूटी ना शासक मिटा पाया ना अंग्रेज मिटा पाया ना ये रंगरेज मिटा रहा ये भारत का हुस्न है दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया यहाँ भाई भाई में प्यार है भाई बहन में मोहब्बत है दोस्त से मोहब्बत है पीर से मोहब्बत है उस्ताद से मोहब्बत है गुरु से मोहब्बत है गुरु से इतनी मोहब्बत है कि संत कबीर ने कहा गुरु गोविंद खड़े काके रघु पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए ऐसा गुरु का मामला और कुछ लोग तो देश को गुरु नहीं बनाए मगर विश्व गुरु बनाने के चक्कर ठीक है बनाओ मगर ये भारत की सुंदरता है यहाँ प्रेम है मोहब्बत है कुछ बाहर से नफरत वाले आए थे मोहब्बत वालों ने वापस कर लिया चलो नहीं समझे ये मोहब्बत की इन मोहब्बतों में कुछ ऐसे मित्र मिलते हैं उनकी मोहब्बत का जवाब है लेकिन इस मोहब्बत भरी दुनिया में दोस्ती मोहब्बत को मोहब्बत कहते हो भाई की मोहब्बत को मोहब्बत कहते हो बाप की मोहब्बत को शफकत कहते हो बीवी की मोहब्बत को मोहब्बत कहते हो औलाद की मोहब्बत को मोहब्बत करते हो लेकिन इन्हीं मोहब्बतों में एक अलग मोहब्बत है माँ की मोहब्बत माँ की मोहब्बत माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला पूरे बंगाल में तुझे नहीं मिलेगा माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला पूरे भारत में नहीं मिलेगा माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला परिवार में नहीं मिलेगा इसीलिए सबकी मोहब्बत को मोहब्बत कहते हो और माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते ममता मदरहुड ममता हमारे यूपी में तो ममता नहीं है हमारे पास घर में भी है और परदेश में भी है माँ की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं ममता एक अलग लफ्ज बनाया गया माँ की स्पेशल मोहब्बत को बताने के वेरी वेरी स्पेशल मोहब्बत कहते ममता अगर एक लड़का बोले अम्मा बोलो तो दुबई चला जाऊं वहां मेरे को 10,000 रुपया मिलेगा और बेटा मेरे यहाँ गांव में रहते हो तो कहा 2,000 मिलेगा
बेटा ये 2000 ले ले, 10000 के लिए मेरी आंखों से दूर ना हो, ये बाकी मैं झाड़ू बर्तन करके तुझे पाल लूंगी, मगर मेरी नजरों से तू जलवा। मैं अपनी माँ बहनों को समझाना चाहता हूँ कि मैं बहन की मोहब्बत को भी मानता हूँ, बीवी भी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, करती कब करती है? हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है कब? जब उसका शौहर जवान हो, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए कमरा देता, उसका मेंटेनेंस को लेता, दाना पानी खिलाए पिलाए, कपड़ा लाकर देता, बीवी मोहब्बत करती है जब बीवी की ख्वाहिश को पूरी करे, तब बीवी की जरूरत को पूरी करे, तब तो बीवी ने मोहब्बत किया। जब तू जवान था बीवी की जरूरत पूरी कर सकता था, लेकिन माँ ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू हिल नहीं सकता था, तू बोल नहीं सकता था, खुद से पेशाब साफ नहीं कर सकता था। एक दिन का बच्चा, एक हफ्ते का बच्चा अपना कुछ नहीं कर सकता, पेशाब पैखाने से बच नहीं सकता, तब किसने बचाया? वो माँ। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ, 9 महीने तक दर्द और दुखावे का झटका झेलने वाली माँ, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने वाली माँ, 9 महीने के बाद पीड़ा से पैदा किया तुझको तेरी माँ, दुखों को झेले माँ, तकलीफें उठाए माँ, बच्चे को संभाले माँ, सर्दी से बचाए माँ, गर्मी से बचाए माँ, छाती का दूध पिलाए माँ, ऐसी माँ की मोहब्बत का जवाब। तुम सारी जिंदगी अपनी माँ का पैर चूमते रहो, पूरी लाइफ हक अदा नहीं हुई, माँ बाप का हक अदा नहीं हुई, सारी जिंदगी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते रहो, हक अदा नहीं हुई, गुलाम बन जाओ, हक अदा नहीं हुई। इसीलिए माँ का जवाब है। एक सहाबी ने मोहब्बत में मन्नत मान लिया, ये ए अल्लाह अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं जन्नत की चौखट, ऊपर वाली चौखट को और नीचे वाले दरवाजे की चौखट को चूमूंगा। अल्लाह का करम देखो मन्नत पूरी हो गई। अब सहाबी की समझ में आया कि मैं जन्नत में जाऊंगा तब चूमूंगा, तो ये मन्नत कब तक उधार? सीधे चले गए सरदार के पास, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। नबी के पास गए थे, या रसूलल्लाह मैंने एक मन्नत मानी थी कि जब पूरी होगी तो जन्नत के दरवाजे का ऊपरी चौखट और नीचे वाली चौखट को चूमूंगा। अब जन्नत में जाऊं कैसे, चूमू कैसे? तो सरकार मुस्कुराए और पूछा, क्या तेरे घर में माँ बाप हैं? अंदाजा लगाइए, क्या तेरे घर में माँ बाप है? कहा या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप भी है और मेरी माँ भी है। कहा जा अपने बाप का माथा चूम ले और अपनी माँ के कदम को चूम ले, जन्नत की चौखट चूम लिया। आ
आइए मैं फुकहाए और गांव मुफ्तियान कराम की बात करूं। कि मजार को चूमना कैसा है, मुफ्तियान कराम में से कुछ ने कहा बिल्कुल नहीं चूम सकते। कुछ मुफ्तियान कराम ने कहा नहीं चूम सकते अगर वो वली है। एक नहीं है, मतभेद है। गौसे आजम की कब्र चूमने में नहीं चूमना चाहिए, नहीं चूम सकते। गरीब नवाज की कब्र को नहीं चूमना चाहिए, नहीं चूम सकते। एक नहीं है, कोई मना कर रहा है? हमारी जिंदगी नहीं है, क्यों मना कर रहे हैं? आला हजरत अजीमुल बरकत बचत की दे मिलकर इमाम अहमद रज़ा साहब एक ऐसा तरीका बताया कि कुल समझ आ गया। अरे तू पाप की गठरी लेकर के गरीब नवाज के सामने गया है, तेरी हिम्मत कि तू मजार से लब लगा दे, हाथ बांध करके दूर से खड़ा रहे ताकि मालूम हो मुजरिम पनाह चाहता है। बड़े प्यार से समझा, मैंने बीच का रास्ता निकाला कि जो लोग कब्र चूमने को मना करते हैं वो भी खुश हो जाएं और जो चूमने को जायज कहते हैं वो भी खुश हो जाएं। मैंने बीच का रास्ता निकाला। अबे खबर मत चूम, गला उठा दे, गला चूम ले, वो खबर दौड़ी है। गला उठाया और गला चूम लिया, गला तो खबर है नहीं, खबर है। वो भी खुश, ये भी खुश, मैं भी खुश। हमारा मतलब कहने का सिर्फ इतना है, कहां गौसे आजम, कहां गरीब नवाज, कहां मखदूम अशरफ, चूमने में अख्तराम। लेकिन एक नहीं, सारे के सारे मुफ्तियान किराम, सारे के सारे फुकहा, सारे के सारे उलमाए दीन का इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, एक मत है कि बेटा अपनी माँ की कब्र को चूम सकता है। सोचो, गौसे आजम की कब्र चूमूं कि न चूमूं, मगर अम्मा जी का चूमूं। आला हजरत कहते हैं चूमूं, जो हराम कहते हैं वही कहते हैं चूमूं माँ की। माँ बाप की कब्र को कच्ची है, अंदाजा लगाओ कि औलाद के लिए माँ बाप क्या है। एक सहाबी आए हुजूर के पास, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बा बगैर पूछे मेरी पॉकेट से रुपया निकाल लेते हैं, मैं क्या करूं? विदाउट परमिशन अब्बा नोट निकाल लेते हैं। तो सरकार ने क्या कहा, अंका वो माल होता ले, अभी तू और तेरा माल सबसे बाप का, तुम प्रॉपर्टी हो अपने बाप की। कैसे हिम्मत पड़ी आदेश देने की? तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत और अम्मा घर में, तो जन्नत घर ही में तो है, काहे बीवी के चक्कर में जन्नत छोड़ देते, औलाद के चक्कर में जन्नत छोड़ देते, क्योंकि तो माँ से ज्यादा चाहने वाली कोई दुनिया में मोहब्बत करने वाली नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि माँ भी कोई मदद नहीं करता, माँ की मोहब्बत रुक जाती है, माँ की ममता ठहर जाती है। उस वक्त न माँ न बाप, अरे तुमने देखा नहीं,
जब एक नौजवान मर गया, नहलाया गया, कफनाया गया, कब्र में दफनाया गया और वहीं वो इंतजार कर रहा, शायद मेरा कोई दोस्त मेरा सहारा बन जाए। नहीं, कोई कब्र में जाने को दोस्त तैयार नहीं। भाई अलग चला गया, इंतजार करता रहा कि मेरा बाप जिसने मुझे सीने से लगाया, कंधे पर बिठाया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, वो तो इस हालत में मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन जब फातिहा पढ़ के अब्बा भी चले गए तो इंतजार करने लगा कि ठीक है सब छोड़े मगर अम्मा नहीं छोड़ेगी। अम्मा घर से निकली नहीं, कब्र के अंधेरे में कब्र जो चाहूंगा जबान से दिल से कहना चाहिए, कब्र के अंधेरे में बेचारा मजबूर बेचैन इंतजार में आगे पधरा नहीं, न बाप आ रहा है, न भाई आ रहा है, न दोस्त आ रहा है, न यार आ रहा है, न बहन आ रही है, न बीवी आ रही है, न बच्चे आ रहे हैं, तो ये है कि मेरी माँ भी नहीं। मायूसी के अंधेरे में घुट घुट कर मरने वाला, माँ के इंतजार की गर्मी से बदला, माँ की ममता नहीं, बाप की शफकत नहीं, दोस्ती नहीं, यार की यारी नहीं, मैं अकेला कब्र के अंधेरे में बेकसी और मजबूरी की हालत में हूँ। काश मेरी माँ जाती मुझे दिलासा देती, वो माँ तो नहीं आई, तब तक रहमतुल्लिलालमीन की रहमतुल्लिलालमीन ने आवाज दी, ए उम्मती मत घबरा, जहाँ माँ का चेहरा नहीं तेरे नबी का जलवा नजर आए। वो तुम्हारा बाप था, तुम्हारी माँ थी, उसकी सीमाएं घर तक थी, मगर मैं रहमतुल्लिलालमीन हूँ और मैं तुम्हारी जान से ज्यादा करीब हूँ। अन्नबी अउला बिल मोमिनीन मिन अन्फुसहिम, नबी मोमिन की जान से जैसे ही उम्मती बेजान होने लगा तो मोमिन की जान से जो करीब था उसने अपना चेहरा दिखाया। इधर फरिश्ते ने पूछा, मा कुंता तकूलो फी हाज़र रजुल, तुम इस आदमी के बारे में क्या कहा करते थे? उधर मदीने वाले का जलवा सामने, उम्मती माँ को भूल गया, बाप को भूल गया, सारी दुनिया को भूल गया और जलवे रसूल में नहाने लगा। ऐसा रसूल जो हमें बंगाल में भी न छोड़े, जिंदगी में भी न छोड़े, जवानी में भी न छोड़े, बुढ़ापे में भी न छोड़े, और जब सारी दुनिया छोड़ दे कब्र में तो कब्र में न छोड़े। वो रसूल जिसने हमें दुनिया में नहीं छोड़ा, कब्र में नहीं छोड़ा, हश्र में नहीं छोड़ेंगे, जन्नत में नहीं छोड़ेंगे, तो बंगाल का मुसलमान कसम खाता है हम अपनी जान दे देंगे मगर रसूल को नहीं छोड़ेंगे। हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। वाफर दावाना ने हमदुल्ला रखी।